नमस्कार दोस्तों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में 40 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये आपका है ए फिटिंग का। क्वेश्चन नंबर टू, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा आपका सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्र होना चाहिए, तो आपका जो टोटल लैंड है उसका 33% होना चाहिए। किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे डिग्री सेल्सियस पे पेड़ों का उगना मुश्किल होता है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? ज़्यादा पेड़ लगाना वन रोपण प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित क्षेत्र है। हरा सोना किसे कहा जाता है? वन को कहा जाता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाने से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहुअनुशासनिक। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह है निकोलस का। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? सीसी पार्क का। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता की थी शुरुआत की थी विलियम हैवेट ने। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? वनस्पति इसका कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आद्योदित। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं, सदा हरित वन पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वन क्या कहलाते हैं? घास के वन कहलाते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान आंधी आना क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। सबसे निचला मंडल भी क्षोभ मंडल ही है। अगला, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा जनन। बृहद जलाशयों के अधिकतम तापमान कहाँ होता? ऊपरी स्तर पे। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है? शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होना। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक
विलेयकों की दृष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सुपोषी। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस। उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? 50% 50%। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? एजोटोबैक्टर या राइजोबियम बैक्टीरिया। ये किस में पाए जाते हैं? ये दलहन के पेड़ों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र परितंत्र में होते हैं ऊर्जा तथा खनिज दोनों को हानि। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमैन। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती है खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी कैसी? अधिक लंबी। अगला क्वेश्चन। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक और अजैविक पदार्थ। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समूह। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ समाप्त हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।